हेलो। हाँ भैया। भैया 3 घंटे हो गए लाइट गए हुए, प्लीज़ बता दो कब तक आएगी। हाँ कॉल बैक करो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या बोला? पता चलेगा तो करेगा कॉल। एक काम कर, पड़ोस में देख के आया, उनके आ रही है? नहीं देख आया हूँ, किसी की नहीं आ रही। नीचे वालों के घर तो आ रही है, क्योंकि उनके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है। मैंने 100 बार बोला इन्वर्टर लगवा दो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पुराने जमाने में भी लोग इन्वर्टर के बिना जी लेते थे। What? पुराने जमाने में फ्रिज का पानी नहीं पीते थे, इनको उबला हुआ पानी दो। अरे मजाक मत करो यार, लगवा दो इन्वर्टर। और ये चश्मा अलग सा क्यों लग रहा है? पुराना वाला टूट गया तो lenskart.com से एयरफ्लेक्स चश्मा मंगवा लिया। तुम उस पे बैठ के फिर तोड़ दोगे। जितना भी मोड़ तो टूटेगा नहीं और हल्का भी है, 1 साल की वारंटी के साथ। चश्मा लेने के पैसे हैं, इन्वर्टर नहीं ला सकते। मुझे दिखना बंद हो गया था, काम वाली को तुम समझ के पीछे से गजरा पहनाने वाला था। सूरदास को मुझ में और काम वाली में कोई फर्क नहीं दिखता। तुमने जो उसको अपनी पुरानी कुर्ती दी थी वही पहन के काम कर रही थी वो, मेरी महक नहीं पहचानते। कुत्ता हूँ मैं। ये दोनों आपस में लगे रहेंगे मामा, कुछ करो ना गर्मी का। अरे सुन सुन, कल ऑफिस में दोस्तों के साथ ना मैं समोसे खा रहा था, तो जिस पेपर पे समोसा रखा था उसके अंदर ये एड देखी। मर्दाना ताकत की गोली, पानी में ये गोली घोल देंगे, शाम को चोली खोल देंगे। अरे ये नहीं, पीछे टॉम क्रूज ट्रेवल्स 3 days 4 nights ऑन अ क्रूज शिप विथ फैमिली, बीट द हीट एंड एंजॉय द कूल ब्रीज विथ फैमिली। चलते हैं। क्या? मम्मी, क्या मतलब? दीदी फैमिली के साथ शिप पे है, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, 3 दिन 4 रातें। 3 दिन 4 रातें? 4 रातों के दिन कहाँ गए? मम्मी 4 रातें मतलब 4th दिन की रात। अरे कहाँ गणित सिखा रहा है 4th फेल को। एक काम करो, तुम पैकिंग शुरू कर दो। पापा हम सच में जा रहे हैं? हाँ बेटा, लेट्स बीट द हीट। यस। और फक इट। ये कहाँ पढ़ लिया आपने? व्हाट्सएप पे आया था। मामा क्रूज पे जाएंगे, मैं फेसबुक पे स्टेटस डाल देता हूँ। गोइंग ऑन अ क्रूज ट्रिप विद फैमिली, फीलिंग एक्साइटेड विद 69 अदर्स। जब से दिल धड़कने तो देखी है, तब से यॉट पे जाने का मन था। उसको यॉट कहते हैं, और भांजे बहुत मजे आएंगे, आसपास से समुद्र दिखेगा। क्या दिखेगा? समुद्र। इतने दिन लैटरिन कैसे रुकेंगे? अरे वहां पे सुविधा होती है उसकी, और वैसे भी इतना बड़ा समुद्र है तो उठाएंगे आनंद। आनंद ही उठाना, धोती मत उठाना। मैंने इतना बड़ा जहाज सिर्फ टाइटैनिक में देखा था। उतना ही बड़ा जहाज होगा दीदी। मुझे ना हमेशा से तेरे जीजा जी के साथ वो टाइटैनिक वाला पोज करना था। गाड़ी वाला, हाथ फैलाने वाला। अरे अरे कहाँ, इस उम्र में रेलिंग पे खड़े होंगे, पैर फिसल के तो सीधा पानी में गिरेंगे। जिंदगी भर के लिए गर्मी से मुक्ति। अरे बनछोड़ दास से भी तो पूछ चलेगा, उसका पेट खराब है, वैसे पूछ लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, आराम करने दो उसको, वहाँ नहीं तो पूरा टाइम हकता रहेगा। मामा स्वीट बंदा है। स्वीट है तो क्या हुआ, उनसे टट्टी निकलेगी, गन्ने का जूस नहीं। खाने के लिए क्या लेना है उस हिसाब से तैयारी कर दूंगी। दीदी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ हमें अपना पर्सनल बावर्ची मिलेगा, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो बोलोगी बना के देगा। फिर मैं 3-4 डब्बे रख लेती हूँ, खाना पैक करवा के घर ले आऊंगी, हफ्ते भर की टेंशन खत्म। अरे कविता से भी तो पूछो, वो भी तो चलेगी। हाँ मामा, मामी भी चलेगी सर। जीजा जी कहाँ टाइम है उसके पास? हाई कोर्ट की जज बन गई क्या? उसको बोलो चुपचाप, मैं कह रहा हूँ चलेगी, फैमिली ट्रिप है यार, बीट द हीट। यस। और फक इट। अरे बार बार मत बोलो। तो मैं सामान पैक कर लूँ? हाँ दीदी पैकिंग शुरू कर दो बिंदास। बढ़िया फोटोज खींचेंगे, मैं भी अपने फेसबुक पे डाल दूंगा और लिखूंगा भटकती हवस। क्या? अरे वो बनछोड़ दास डालता रहता है ना बार बार वॉन्डरलस्ट, तो मैंने उसका मतलब पूछ लिया व्हाट्सएप पे। आप प्लीज उसे बातें मत किया करो, गलत सलत इंग्लिश बताता है आपको। इसको चौक मेट्रो के आगे गया नहीं, वॉन्डरलस्ट लिखता रहता है। चूतरना गुची बातें ऊंची ऊंची। ए वांजे इसका नंबर लिख, डिटेल्स ले। समोसे के पैसे वसूल हो गए। हेलो टॉम क्रूज ट्रैवल से बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ जी टॉम जी, वो आपका एड देखा था पेपर में, 3 days 4 nights वाला। हाँ डेट्स फ्लेक्सिबल है मेरे लेंसकार्ट की तरह। भाई साहब चड्डी बनियान लेनी है तो बताओ। मतलब आप टॉम क्रूज ट्रैवल से बात कर रहे हैं ना? काहेगा ट्रैवल, सब ठप हो गया। 3 साल पहले हमारा एक क्रूज शिप डूब गया था, 4 लोगों का फैमिली था, सब 6 फुटिए, अब 4.5 फुट के रह गए। क्यों? शार्क ले गया नीचे का हिस्सा। फिर क्या, जेल हो गई, हमें सजा काट के आए हैं परसों। वो पेपर वाला एड? पेपर वाला एड तो 3 साल पहले छपवाए थे। 3 साल पहले? अरे समोसा तो कल खाया था। अरे तो अखबार पुराना इस्तेमाल नहीं हो सकता। अरे मैंने भी नहीं सोचा यार। ए बेटा दुखी मत तो, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मामा? भाई नसीब को कोस के क्या फायदा जब घर के लोग ही मुद्दे।
हाँ कोई फिल्म दिखाते हैं, चलो। नहीं देखनी मुझे। तो एक काम करते हैं, टीवी पे न्यूज़ देख लेते हैं, क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। लाइट नहीं आई अभी तक, और वैसे भी मीडिया वाला कुछ नहीं दिखाते आजकल। 9 बजे 5-6 लोग बैठ के ऐसे चिल्लाते रहते हैं, कोई ढंग से सभ्य तरीके से डिस्कशन ही नहीं करता। सबको ICC के ग्लव की पड़ी है, हमारी आर्मी, हमारे जवान। अरे एक दो न्यूज चैनल को छोड़ के किसी ने वो जो एयरफोर्स का जहाज लापता हुआ था उसके बारे में एक हफ्ते तक कवरेज ही नहीं की। वो जो 13 बंदे शहीद हुए उनके बारे में क्यों बात करेंगे, वो थोड़ी TRP देंगे। तू चल भांजे, तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ, समोसे लेते आना। दोनों भांजा मामा गुस्सेल हैं। एक मैंगो शेक बना दो जरा। लाइट गई है। पूरा खानदान पागल है।